हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की कल रिलीज हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 9.25 करोड़ का कारोबार किया, ये काफी अच्छा माना जा रहा है। इस फिल्म की कहानी सत्य प्रेम यानी कार्तिक आर्यन की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, जो काफी नासमझ सा इंसान है। एक मोड़ पर इसे कथा यानी कियारा आडवाणी से प्यार हो जाता है। कथा एक रईस बाप की बेटी है। सत्य प्रेम को लगता है वो कभी कथा से शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कथा किसी और से प्यार करती है। हमेशा सच बोलने वाले इंसान के प्यार की जीत हो जाती है और परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी होती है। मगर इनकी शादीशुदा जिंदगी को सत्य प्रेम कैसे निभाता है, इस रिश्ते में आई मुश्किलों का सामना कैसे करता है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। कहानी देखने में बहुत सिंपल लगती है, मगर इतनी है नहीं। अगर टीजर और ट्रेलर देख के फिल्म की इमेजिन किया है तो ये एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म जैसी नहीं है, इससे बहुत कुछ अलग है। फिल्म का म्यूजिक और इसका बीजीएम इस फिल्म की जान है। ये फिल्म पूरी तरह से एंटरटेनिंग है। इमोशंस ऐसे हैं कि सीधे आपके दिल पे असर छोड़ते हैं और आपकी आंखें नम भी हो सकती है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना प्यारा और सुपर नेचुरल है कि आपको क्लैप करने पर मजबूर कर देगा। फिल्म देखकर ऐसा लगेगा कि ये भूमिका कार्तिक आर्यन से अच्छी कोई भी नहीं कर सकता था। कियारा आडवाणी ने अपना बेस्ट दिया है। फिल्म की फोटोग्राफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बाकी के कलाकार गजराज राव, सुप्रिया पाठक, शिखा तलसानिया और राजपाल यादव सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनल वर्डिक्ट, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की सुपर केमिस्ट्री आपको जरूर पसंद आएगी। तुम इतने क्यूट कैसे हो यार? जैसे तुम इतनी सुंदर हो, गॉड्स गिफ्ट। अगर आप फैमिली के साथ किसी फिल्म का प्लान बना रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टार्स ऑन स्क्रीन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।